ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसल को देखने बदरवास पहुंचे कमिश्नर। बदरवास तहसील के अंतर्गत आने वाले कई गांव में ओलावृष्टि से फसल को काफी नुकसान हुआ। आज ग्वालियर कमिश्नर, शिवपुरी कलेक्टर कुमार सिंह, अनुविभागीय अधिकारी ब्रज बिहारी श्रीवास्तव, बदरवास तहसीलदार प्रदीप भार्गव के साथ अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। कमिश्नर ने बताया कि पूरे संभाग में बहुत नुकसान हुआ है, जल्द से जल्द सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। यदि गलत हुआ तो जिम्मेदारी होगी फिर, नंबर एक बात। नंबर दो बात, जब भी पूरा हो जाए तो गांव में आना है, 150 लोगों के सामने बैठना है, तहसीलदार नए तहसीलदार आएंगे, सबको पढ़ के सुनाएंगे। एक भी गलत आदमी का नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी का नुकसान हुआ ही नहीं उसको चढ़ जाए, क्योंकि उससे असली आदमी का नुकसान होता है। सबको गलत एक भी नहीं चढ़ाना है, चाहे जो कह दे, वो उसके पीछे हम खड़े हैं, सबके सामने बोल रहा हूँ। लेकिन एक भी सही आदमी छूटना नहीं चाहिए, दोनों बातें। एक भी गलत आदमी को मिलना नहीं चाहिए, किसी का नुकसान ही नहीं है। मतलब अभी बता रहे थे गुना में साहब पटवारी पीछे लग गए, साहब आपको हमारा नुकसान ही डालो 100%। खेत में फसल खड़ी हुई दिख रही, कैसे डाल देगा भाई पटवारी, क्यों डालेगा वो, उसके लिए हम आपके साथ रहें। गलत डाला तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, तो कोई भी कितना भी कह दे, आप आ जाना कलेक्टर साहब के पास में, हम करने वाले नहीं गलत काम। लेकिन सही आदमी छूटना नहीं, इसीलिए बहुत सारा देख लिया मैंने, 19-20 हो जाए तो ठीक है, लेकिन सब पता है, इनको ही पता है। और तहसीलदार नायब तहसीलदार बिल्कुल देखें, उसका कम से कम 10-20% मौके पर आकर सत्यापन करें करने से पहले, क्योंकि अब आपके लिए आसान है, अब सूची नहीं बनाना है आपको, इसी में कर दिया, सूची बन के निकल जाएगी आपकी, बिल बन जाएगा आपका तत्काल ना, वो सब काम आपके हो जाएंगे, तो आपको वो मेहनत नहीं करनी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत खेत पे करें, लोगों के साथ करें, ठीक है। ये बताओ, ये खाता नंबर किसानों का उससे उठा लेगा तो